नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से आप सभी के सामने आपको एक सुंदर सी कहानी सुनाने आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आज है 21 फरवरी यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, और इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए प्रथम बुक्स और स्टोरी वीवर ने एक बहुत प्यारा सा इनिशिएटिव लिया है। वो है अपनी मातृभाषा में कहानियाँ सुनना और पढ़ने का। और क्योंकि अब आपको पता ही है मैं एक कहानीकार हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ, तो इसीलिए अपनी मातृभाषा यानी हिंदी में मैं आज आपको एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। तो क्या आप तैयार हैं? आज की हमारी जो कहानी है वो एक ऐसे बच्चे के बारे में है जिसको बहुत गुस्सा आता है, और आज वो बहुत गुस्से में है। पर क्यों गुस्से में है, कैसे उसका गुस्सा कम होगा, चलिए देखते हैं। आज की जो मैंने कहानी चूज करी है वो है अकुई गुस्सा, और इसे लिखा है विनायक वर्मा जी ने। स्कूल की घंटी बजी, घंटी थी छुट्टी की, टन 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 टन। सारे बच्चे खुशी से शोर मचा रहे थे, ये छुट्टी हो गई, चलो चलो घर चले, ये। लेकिन अक्कू कुछ खुश नहीं थी, वो बहुत गुस्से में थी। देखिए आप अक्कू को कितना गुस्सा आ रहा है, और उसके बाकी सब दोस्त कितने खुश हैं घर जाने के लिए, क्या बात है। जब सूरजमुखी के खेतों से उसकी साइकिल गुजर रही थी तो अप्पा ने कहा, अक्कू अक्कू देखो जरा वो सुंदर सा सूरजमुखी का फूल देखो, बहुत ही पीला है और ये मेरी आंखों में चुभ रहा है। अक्कू बड़बड़ाई, अक्कू अक्कू देखो देखो वो बंदरों को देखो जरा अपनी छत पे। अप्पा ने उनके घर की छत की तरफ इशारा करते हुए कहा, छी ये बदमाश बंदर। अक्कू भुनभुनाई, हुर हुर भाग जाओ यहां से, हुर हुर भागो। अक्कू तो बहुत गुस्से में है। फिर थोड़ी देर बाद अप्पा बोले, लो थोड़ी सी छाछ पी लो, इससे तुम्हें ठंडक मिलेगी। अक्कू ने मुंह बिटकाया, मुझे नहीं पीनी छाछ वाछ। अरे एक घूंट पी लो। ठीक है बस एक ही घूंट पीऊंगी लेकिन मैं, अक्कू बोली, और उसने एक घूंट छाछ का पिया। छाछ बहुत अच्छी थी, उसको बहुत अच्छी भी लगी। उसने एक घूंट और पिया, फिर एक और घूंट, फिर एक और घूंट, और इतने में पूरा ग्लास खाली कर दिया। अच्छी लगी उसको। वड़ा खाओगी, अप्पा बोले। ओफो अक्कू खींची, बस थोड़ा सा खाऊंगी। अच्छा ठीक है थोड़ा सा ही खा लो। अक्कू ने जरा सा टुकड़ा खाया, उसको बहुत अच्छा लगा। उसने थोड़ा और खा लिया, एक नन्ना सा गस्सा और फिर क्या था, जैसे छाछ खत्म कर दी वैसे पूरा वड़ा भी खा लिया। शाबाश, बड़ी अच्छी बच्ची है मेरी, अप्पा ने खुश होकर कहा। अब मुझे बताओ कि तुम इतनी गुस्से में क्यों हो, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, अक्कू ने कहा। मेरी वजह से नाराज हो? नहीं अप्पा, अम्मा की वजह से? नहीं। आज स्कूल में कुछ हुआ क्या? पता नहीं, हाँ लेकिन शायद। ओहो, अप्पा बोले, एक काम करते हैं, आज स्कूल में जो भी कुछ हुआ तुम उसका उसके चित्र बनाओ। ये लो कुछ अच्छे से कागज और कलर्स, अच्छे से जो भी हुआ तुम इस कागज पे बनाओ।
ठीक है, अक्कू ने कहा। अक्कू ने एक ईंट बनाई। ये वह बेकार सी ईंट है, मैं सुबह इसी ईंट से टकरा कर गिर गई थी, अक्कू ने कहा। इस बेकार सी ईंट से सुबह मुझे ठोकर लग गई थी, अक्कू ने कहा। ठीक कहा तुमने, ये तो बहुत बेकार ईंट है, अप्पा बोले। फिर अक्कू ने एक लड़के का चित्र बनाया। ये देखिए, ये बनाया, कितना गंदा सा चित्र है ना, गंदा सा लड़का। अब इसने क्या काम किया इस लड़के ने, ये बिक्कू है, बहुत बुरा लड़का है ये, जब मैं गिरी तब मुझ पर हंस रहा था, अक्कू ने कहा। अरे बहुत बुरा लड़का है ये तो, जब कोई गिर जाता है तो क्या उस पर हंसते हैं क्या, गलत बात है ये तो, अप्पा बोले। फिर अक्कू ने एक इडली की तस्वीर बनाई। ये मेरी इडली है, अक्कू ने बताया, जब मैं उस बेकार सी ईंट से ठोकर खा के गिर गई तो मेरे टिफिन से ये इडली भी गिर गई थी। फिर अक्कू ने एक कौवा बनाया। ये वो बदमाश कौवा है जो मेरी इडली लेके उड़ गया था। अरे अक्कू, बेचारा भूखा हो सकता है, अप्पा ने कहा। और आखिर में अक्कू ने अपनी टीचर की तस्वीर बनाई। अब भाई टीचर देखो, भाई टीचर की तस्वीर क्यों बनाई, क्या किया इस टीचर ने, देखना पड़ेगा। ये मेरी टीचर है, अमला मिस, अक्कू ने कहा। जब मैं गिरी तो उन्होंने मेरी मदद करी उठने में, और फिर उन्होंने मुझे गले भी लगाया। ये तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अप्पा बोले। फिर उन्होंने मेरे गाल पर ना चुटकी काटी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई चुटकी काटे मेरे गाल पे। ओहो, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी ना जब उन्होंने चुटकी काटी। थोड़ी सी, पर अब ठीक है, चलो अच्छा है। देखो तो सही, तुमने कितने बढ़िया बढ़िया चित्र बनाए हैं, अप्पा ने कहा। तुम वास्तव में कलाकार हो अप्पू, क्या तुम अम्मा के लिए भी कुछ बनाओगी। ठीक है, अक्कू बोली, और उसने एक चित्र बनाया। यह एक छोटा सा सफेद चूहा है। एक और चित्र बनाया, ये नाव है। उसने एक के बाद एक बहुत सारे चित्र बनाए। ये नारियल का पेड़ अप्पा, ये देखो कितनी सारी तस्वीरें बनाई उसने, कितनी सारी। और अप्पा अप्पा अप्पा, ये वो सूरजमुखी का फूल है, और ये आपकी साइकिल अप्पा, और ये वो कुत्ता है, और ये रहा मेंढक। थोड़ी ही देर में अक्कू उस बेकार सी ईंट के बारे में भूल चुकी थी, और उस बदमाश लड़के को भी भूल गई थी, और इडली चुराने वाला बदतमीज कौवा वो तो उड़ ही गया था। और तो और, अक्कू ये भी भूल गई थी कि वो गुस्से में थी। है ना दोस्तों, कितना आसान होता है ना गुस्सा भूल जाना, लेकिन अगर वही गुस्से को आप ले लेके पूरे दिन सोचते रहोगे तो क्या होगा आपका, अक्कू जैसा हाल हो जाएगा, पूरे दिन गुस्से में रहोगे। इसीलिए मैं आपको चार पांच छोटी छोटी बातें बताती हूँ। जब आपको गुस्सा आए ना तो आप ये फॉलो करना। सबसे पहली चीज, जोर जोर से हंसो और अपने हाथों को उछालो, ऊपर नीचे करो। दूसरी चीज, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी सांस को अंदर लो और फिर बाहर छोड़ो। तीसरा पॉइंट, थोड़ा सा पानी पी लो। चौथा पॉइंट, फल का एक टुकड़ा खा लो। पांचवा पॉइंट,
किसी बड़े को बताओ कि आपके साथ क्या हुआ, आप कैसा महसूस कर रहे हो, आज आपके साथ क्या गलत हुआ। किसी भी बड़े को बताओ, मम्मा को, पापा को, दादी को, दादाजी को, नानी को, किसी को भी। लास्ट छठवां पॉइंट और सबसे जरूरी, अकू ने क्या किया, जब उसको गुस्सा आया तो अप्पा ने अकू को बोला कि जो भी कुछ हुआ उसको एक कागज पे ड्रॉ करो, वो चित्र बनाओ। तो उसने सब बनाया ना। तो जब भी आपको गुस्सा आए और किसी से बात करने का दिल नहीं है तो अपनी ड्राइंग बुक उठाओ और उसमें वो सारे चित्र बना डालो जिनकी वजह से आप गुस्सा हुए थे, और देखना इनमें से कोई भी आप पॉइंट उठा लो और आपका गुस्सा यूं फुर हो जाएगा। इसीलिए अब गुस्सा नहीं करना, कभी खुश रहना और अपने गुस्से को जितना जल्दी हो जाए ना हवा में उड़ा दो। थैंक यू।